हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू अपलोड इमेज इनटू द डेटाबेस इन वी बी डॉट नेट। तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक बेसिक इंटरफेस डिज़ाइन किया है इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया है फॉर आईडी और एक पिक्चर बॉक्स यहाँ पर लिया है, जिसके अंदर हम जो भी पिक्चर को ब्राउज करेंगे यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस सेव बटन, इस पर्टिकुलर इमेज को हम डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। तो इस इंटरफेस में देखिए आप, एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक पिक्चर बॉक्स है, एक ब्राउज बटन है, एक सेव बटन है, और इमेज को ब्राउज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स लिया है। तो ये हो गया मेरा फ्रंट एंड। अब इमेज को डेटाबेस के अंदर सेव करने के लिए आपको बैकएंड किस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर यहाँ पर मैंने एक टेस्ट डीबी डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर मैंने एक टेबल लिया है टीबीएल फोटोज। इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दो ही कॉलम हमने इसके अंदर लिए हैं, एक है आईडी और दूसरा है फोटो। इनका डेटा टाइप आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इमेज को जब भी हमको डेटाबेस के अंदर सेव करना होता है तो आपने उसका डेटा टाइप क्या रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फोटो जो कॉलम है उसका डेटा टाइप मैंने यहाँ पर लिया है इमेज। गाइज, जो भी इमेज डेटाबेस के अंदर सेव होती है वो बाइनरी फॉर्मेट में, मतलब वो एक बाइट एरे होती है, तो एक बाइट एरे यहाँ पर सेव होता है इस रिकॉर्ड के अंदर। तो इसीलिए आपने इस पर्टिकुलर कॉलम का जो डेटा टाइप है वो इमेज यहाँ पर रखना है। ओके, तो ये आप लोगों ने डिज़ाइन कर लेना है। सबसे पहले फ्रंट एंड आप लोगों ने डिज़ाइन करना है, देन वी विल सी द कोड। तो सबसे पहले आपको इस फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। द कोड आई हैव ऑलरेडी रिटन। फॉर्म के लोड इवेंट पर हमने कोड लिखा है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से नेम स्पेसेस आपने इंपोर्ट करने हैं इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले तो आपने लेना है एसक्यूएल क्लाइंट, बिकॉज आवर डेटाबेस इज एसक्यूएल सर्वर। सेकेंड, आपने इंपोर्ट करना है आयो नेम स्पेस। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इस पर्टिकुलर नेम स्पेस को आपको लेना है। तीन ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, एक कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक कमांड क्लास का यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, और एक एसक्यूएल एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एंड दिस, इफ़ यू वांट टू नो दिस इन डिटेल, आप जो वीडियोज़ मैंने एडियो डॉट नेट के लेक्चर सीरीज में बनाए हैं आप लोग वो देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ how front end is connected with back end, how insert, update, delete queries are executed, all the concept I have very well explained in those videos. तो आप लोग उन videos को देख सकते हो। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर मैंने declare की है। अब जैसे ही ये particular form load हो जाएगा तो सबसे पहले हमको इस front end को back end के साथ connect करना है, इस database के साथ। तो उसका code मैंने यहाँ पर इस load event पर लिखा है, and very simple code. You have to initialize this CN, connection class object, with connection string. तो ये मैंने यहाँ पर connection string यहाँ पर pass किए। The name of the database is testdb. Now second, I will browse the image. तो उसके लिए हमने यहाँ पर open file dialog लिया है और इसका code हम देखते हैं। Browse button के click event पर हमने simple code यहाँ पर लिखा है। If open file dialog 1.show dialog equals to windows.forms.dialogresult.ok, मतलब जब आप इस ब्राउज बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स आएगा, और जैसे ही आप उस डायलॉग बॉक्स का ओके बटन क्लिक करोगे तो उस डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप जो भी इमेज सिलेक्ट करते हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज डॉट फ्रॉम फाइल मेथड हम डायलॉग बॉक्स से जो भी इमेज सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इमेज विल रिट्राइव टू द पिक्चर बॉक्स 1.इमेज प्रॉपर्टी। तो वो पर्टिकुलर इमेज इस पिक्चर बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होगी। सो यू कैन सी दिस। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस ब्राउज बटन पर क्लिक करता हूँ, दिस ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स इज ओपन। यहाँ से आप जो चाहे वो इमेज आपके सिस्टम से सिलेक्ट कर सकते हो, और जैसे ही आप इमेज सिलेक्ट करोगे द इमेज विल डिस्प्ले हियर। ओके, नाउ यू कैन सी। Now this particular image I want to save into database. So for that the code I have written on save buttons click event. तो देखिए क्या कोड हमने लिखा है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है SQL as string. तो इमेज को डेटाबेस के अंदर सेव करने की क्वेरी मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ।
तो इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्वेरी लिखी है इंसर्ट इनटू टीबीएल फोटोज, दो पैरामीटर है आईडी और फोटो, और पहले पैरामीटर को जो वैल्यू जा रही है दैट इज फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स txt आईडी डॉट टेक्स्ट। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है इसके अंदर हम जो भी आईडी डालेंगे वो आईडी वाले कॉलम के अंदर सेव हो जाएगा। और सेकेंड पैरामीटर के लिए मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर वेरिएबल लिया है ph नाम से, ये वेरिएबल मैंने यहाँ लिया है, इसको मैं क्रिएट करने वाला हूँ आगे के कोड के अंदर। तो ये इस तरीके से आपने एक क्वेरी लिख लेनी है, योर फर्स्ट कॉलम इज आईडी एंड सेकेंड कॉलम जो कि इमेज है उसके लिए मैंने एक पैरामीटर लिया है ph। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी से मैं मेरे कमांड ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता हूँ। तो कोड आई हैव रिटन हियर cmd इक्वल्स टू न्यू sql कमांड और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है sql। इस कमांड को हम कनेक्शन से भी इनिशियलाइज करते हैं बिकॉज विच कनेक्शन दिस कमांड इज गोइंग टू यूज व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी, तो वो मैंने यहाँ असाइन किया है cn एंड cn इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर कनेक्शन। ओके, सो दिस पार्ट इज सिंपल, यू कैन सी इनसाइड ado.net's लेक्चर सीरीज। नाउ अ पार्ट विच यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट इज दिस, कि हमको इमेज सेव करनी है डेटाबेस के अंदर, तो आप लोगों ने उस इमेज को किस तरीके से कन्वर्ट करना है डेटाबेस में सेव करने के अंदर, वो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर है और इन्हीं स्टेप्स को आपने ध्यान से समझ लेना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक नेम स्पेस इम्पोर्ट किया है आयो, बिकॉज वाई आई हैव इम्पोर्टेड दिस नेम स्पेस बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज सम क्लासेस हियर। तो सबसे पहली क्लास मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मेमोरी स्ट्रीम, जिसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर ms। सेकेंड यहाँ पर आप देखो पिक्चर बॉक्स के अंदर जो भी इमेज हमने ली है उसको भी मैंने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, दिस इज ऑप्शनल स्टेप, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। इफ़ यू वॉन्ट टू ओमिट दिस पर्टिकुलर स्टेप यू कैन स्किप इट, और इस img की जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हो पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज। सो दिस पर्टिकुलर स्टेप इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। तो पहले हमने मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, सेकेंड हमने पिक्चर बॉक्स की इमेज को img वेरिएबल के अंदर डाला, और थर्ड हमने इस img को बीट मैप में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक वेरिएबल लिया है डीम bmp इमेज एज न्यू बीट मैप, और जो भी मेरी इमेज है उसको मैंने कन्वर्ट किया है बीट मैप। दिस पर्टिकुलर स्टेप इज इसेंशियल बिकॉज vb.net के अंदर बीट मैप के कुछ क्लासेस है जो कि हमको यूज करने हैं इस पर्टिकुलर इमेज को कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए इमेज को आपको बीट मैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट उस पर्टिकुलर इमेज की सेव मेथड आपने कॉल करनी है bmp इमेज डॉट सेव, जिसको आपने दो पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर तो ये इमेज आपको कहाँ सेव करनी है, सो आई वॉन्ट टू सेव दिस पर्टिकुलर इमेज इन टू मेमोरी स्ट्रीम। मेमोरी स्ट्रीम इज नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, यू कैन से दैट। तो उसके अंदर मैं इस इमेज को सेव कर रहा हूँ इस फॉर्मेट के अंदर, सो सिस्टम डॉट ड्रॉइंग डॉट इमेजिंग डॉट इमेज फॉर्मेट डॉट jpg। अगर इस पर्टिकुलर नेम स्पेस को आप इम्पोर्ट कर लेते हो तो यू कैन डायरेक्टली राइट इमेज फॉर्मेट डॉट jpg। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक बाइट एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है डेटा नाम से, इसके अंदर मैं बाइट एरे डाल रहा हूँ, और वो बाइट एरे कहाँ से आने वाला है, मेमोरी स्ट्रीम के अंदर से। सो मेमोरी स्ट्रीम की गेट बफर मेथड इट विल रिटर्न अ बाइट एरे ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज जो कि हमने मेमोरी स्ट्रीम के अंदर डाली है, और वो बाइट एरे डेटा के अंदर स्टोर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मैंने एक sql पैरामीटर क्रिएट किया है dimpy as new sql पैरामीटर। देखिए ये हमारा वो sql पैरामीटर है ph यहाँ पर जिसको हमने p नाम दिया है, सो दिस इज द नेम ऑफ पैरामीटर एंड दिस इज द डेटा टाइप। ओके, p की जो वैल्यू है उसको मैं असाइन कर रहा हूँ यहाँ पर डेटा, डेटा इज नथिंग बट माई इमेज इन द फॉर्मेट ऑफ बाइट्स, तो वो हमने डाल दी p के अंदर, और इस p को हमने ऐड कर दिया है cmd.parameters.addp। तो जो हमारा कमांड ऑब्जेक्ट है इसके पैरामीटर्स में p आ गया, मतलब कमांड हमने इनिशियलाइज किया है sql से, और इसमें एक पैरामीटर है जो कि रिक्वायर्ड था वो हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब आगे के स्टेप सिंपल है, कनेक्शन को आपने ओपन करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, कनेक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया, देर इज अ मैसेज बॉक्स इमेज सेव्ड सक्सेसफुल, इमेज सेव होने के बाद पिक्चर बॉक्स क्लियर हो रहा है और टेक्स्ट बॉक्स भी क्लियर हो रहा है। सो लेट्स ट्राई दिस कोड।
तो यहां पर मैं इमेज आईडी दे देता हूं 1 ब्राउज एंड लेट्स ओपन इट एंड लेट्स क्लिक दिस बटन सेव. सो इमेज सेव्ड सक्सेसफुली. एंड व्हेन यू गो इनटू द डेटाबेस एंड जस्ट रिफ्रेश योर टेबल हियर यू विल सी द रिकॉर्ड दैट इज आईडी 1. और यहां पर आप लोग देख सकते हो इन द कॉलम ऑफ फोटो यू विल गेट बाइनरी डेटा. तो ये इमेज यहां पर ऐसे दिखेगी नहीं, बट इमेज आपकी सेव हो चुकी है बाइट्स के फॉर्मेट में. तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू रीड इमेज फ्रॉम डेटाबेस. बट इसके बाद वाले वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू अपलोड मल्टीपल इमेजेस एट द सेम टाइम, दैट वी आर गोइंग टू सी. तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.